MS धोनी। हाँ धोनी भैया, एक काम कीजिए, हाँ ओपनिंग आप ही कर लीजिए। नहीं, हम 165 देखने के लिए रह गए साला। इतनी अच्छी पिच के ऊपर कम से कम तुमको 265 मारना चाहिए। टीम में 270 277 मार गए और तुम्हारा साला 165 मार के बहुत ही खुश हो रहे हो। क्या मसला है भाई तुम्हारे साथ? मतलब ऐसा कौन प्रॉब्लम हो गई है? देखो तो एक तो तुमको ओपनिंग करने आना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ससुरा तुम ही ओपनिंग करने आ जाओ, बाकी का पूरा टीम लुल हुई पड़ी है। तुमका सारा फोन काट दिया हमारा। एक तो महेंद्र सिंह धोनी ना हो गए, पता नहीं क्या फोन ही काट दिया हमारा। खैर जो भी हो भाई, इस जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है यहाँ पर आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग SRH और CSK, मतलब सनराइज हैदराबाद, वो पैट कमिंस साला, इधर इसको ना बोतल फेंक के मारनी चाहिए साला। मतलब ये इसको हो क्या जाता है भाई? है सनराइज हैदराबाद किसी खाते में नहीं थी, ये बंदा आके मतलब सनराइज हैदराबाद को ऐसा क्या किया इसने कि भाई वो टीम रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिए लिया है, मतलब खुद देखो। इसी बारे में बात करने लगे अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाओ। अगर आप CSK फैन हो तो भाई थोड़ा गम की बात है, दुख की बात है। देखो तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम है, वो वाला सीन हो गया हमारे साथ। मतलब हमारी RCB के भी लगे पड़े हैं और यहाँ CSK के भी लगे पड़े हैं। अबे हम इन दोनों का फाइनल देखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ये दोनों ही टीमें बाहर होंगी। अबे देखो RCB वालों से तो फिर भी उम्मीद है कि चलो ठीक है, वो कमबैक कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा RCB वालों का। उनकी पुरानी आदत है कि भाई शुरू शुरू में थोड़ा सा ढीलापन लेके चलते हैं और आखिर में जब विराट कोहली अपने फॉर्म में आते हैं तो भाई वो सबकी माँ बहन एक करके रख देते हैं। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी साहब से मेरी गुजारिश है कि भाई आप ये नंबर 7 और 8 के ऊपर बैटिंग करने आ रहे हो, लोग आपको यही करते नहीं देखना चाहते हैं, लोग आपकी कीपिंग नहीं देखना चाहते, लोगों को देखना है आपको बैटिंग करते हुए। मतलब CSK की 99% तक जो व्यूअरशिप है और 99% तक जो ब्रांड सब कुछ है ना, वो ब्रांड वैल्यू वगैरह, वो सब महेंद्र सिंह धोनी की वजह से है। तो भाई धोनी जल्दी बैटिंग करने क्यों नहीं आ रहा? मतलब अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर धोनी ओपनिंग करने आ जाए ना, इन सबसे तो ज्यादा ही रन बना ले जो यहाँ पर ओपनिंग कर रहे हैं। मतलब क्या मसला क्या हो गया भाई धोनी भाई के साथ? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि साला बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहे? थाला, अरे थाला साहब ये देखो, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, ए थाला भाई, ए थाला, ए भाई, ए ओपनिंग करने आ जाओ भाई। ये टीम के ऊपर भरोसा मत करो, ये CSK है। मतलब खुद सोचो 5 दिन के बाद खेल रही है, फिर भी यहाँ पर जो है इतनी वाहियात परफॉर्मेंस, सिर्फ 165 रन। मतलब इससे ज्यादा ही उम्मीद थी 100%, जितने भी CSK के फैंस देख रहे हैं उन सबको इससे ज्यादा उम्मीद थी। लोगों ने सोचा नहीं था कि भाई थाला का ये जो है ये निकल जाएगा इतना मसाला, क्योंकि भाई खुद सोचो धोनी की बैटिंग देखने के लिए पूरा का पूरा क्राउड आया हुआ, धोनी की बैटिंग देखने के लिए पूरा का पूरा स्टेडियम है, लेकिन भाई देखा जाए तो धोनी बैटिंग करने नहीं आ रहे। 2 बॉलें खेली, 2 बॉलों में भी 1 रन स्कोर किया। लोग मतलब खाली लोग बस उनकी ये वाली एंट्री देखना चाहते हैं कि भाई थाला इज कमिंग ऑन द फील्ड है, यही देखने के लिए रह जाओ भाई खुदा का वास्ता। ये देखो धोनी भैया, धोनी भैया ये देखो हाथ पाँव हाथ पकड़ पाँव पकड़ते हैं आपके, भाई खुदा का वास्ता कुछ कर लो यार। देखो वहां पर विराट कोहली अकेले कर रहा है, यहाँ पर अगर आप कुछ कर लोगे कसम से IPL का मजा दुबारा हो जाएगा, क्योंकि है ना हमें पैट कमिंस को देखना, ना हमें ट्रैविस हेड को देखना, ना हमें एडियन मार्कर को देखना, ना ही हमें एंड्रिज क्लासन को देखना, ना ही हमें अभिषेक शर्मा को देखना है। हमें देखना है तो भाई यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को, और वो अभिषेक शर्मा साला मतलब हो क्या गया भाई इसको? ओए भाई ये 12 बॉलों में 37 रन मार गया आज। अबे भाई माना कि तुम लोग पहले बैटिंग करो, 3 ओवर में तुम लोगों ने 50 से ज्यादा कर दिए, ये हुआ तो हुआ कैसे? इट वॉज समथिंग सेंसेशनल, और मुझे हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि भाई लोग कैसे चुपचाप बैठेंगे, भाई ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? असल में बात ये है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ या फिर जब भी जिस टीम को हम सपोर्ट करते हैं उसी टीम के खिलाफ ही ऐसी परफॉर्मेंस देखने देनी होती है। साला IPL में मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ 1 दफ़ा RCB जीती है, 1 दफ़ा, हालांकि मैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन 1 दफ़ा RCB जीती है, और जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वही टीम हार जाती है। अबे ये है हो क्या रहा है भाई मेरे साथ? क्या मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है? क्या मेरी जिंदगी में मौज मस्ती नहीं है? क्या मेरी जिंदगी में कोई अच्छे ख्वाब नहीं है? मतलब मैं जिस टीम को सपोर्ट करूं सारा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं उसके अलग जाते हैं, यहां पर IPL में जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके अलग रहे हैं। भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं खुद हैरान हूं, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम SRH से आ रही है, और SRH कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं जितना वो समझ रही है अपने आप को। अभी भी मैच को ये था, ये नहीं बोलूंगा कि वन साइडेड जीते, लेकिन फिर भी जीत तो गए SRH वाले ना, पॉइंट्स में तो आगे नंबर 4 की पोजीशन या नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर जब SRH आ चुके हैं। 3 में से 1 मैच पहले हार चुके थे, अब वो 4 में से 2 मैच जीत चुके हैं, और महेंद्र सिंह धोनी भी 4 में से 2 हार चुके हैं, 2 जीत चुके हैं। मतलब धोनी भैया ये देखो, धोनी भैया यार ये ऋतुराज गायकवाड़ जो है साहब जो है ना, ये मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन खुदा का वास्ता थोड़ा खुद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें ये नहीं देखना। देखो आज आपने मोइन अली को खिला के देख लिया, आज आपने टीम में चेंजेस भी किया, आज आपने मिडल ऑर्डर वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज किया, आज आप वो कौन है लड़का जो ये मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसको आप ऊपर लेकर आए, फिर भी आपकी टीम ने जो है यार टोटली 280 भी नहीं बनाए, 180 भी नहीं बनाए,
और आप कह रहे हो भाई आपने ये ट्रॉफी उठानी है 6 टाइम है, 7 6 टाइम, 7 नंबर जैसी है, 6 टाइम ट्रॉफी उठानी है। देखो ये गलत बात है, मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की व्यूअरशिप, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग, विराट कोहली के नाम के साथ जो चलने वाला माध्यम है बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो भाई दिल गुर्दा फेफड़ा तो टूटेगा ना, मतलब ना आरसीबी खुशियां दे रही है ना सीएसके दे रही है, और जब इन दोनों का मैच होता है देखने का मजा तभी आता है, तब लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। लेकिन भाई अभी जो ये आप सीन क्रिएट कर रहे हो, मतलब दोनों टीमों को एल लगे पड़े हैं, इधर से सीएसके के एल लगे पड़े हैं, उधर से आरसीबी, मतलब आरसीबी के वालों से भी गुजारिश है भाई करना क्या चाह रहे हो भाई। अब कल आरसीबी का मैच है, देखना होगा कि आरसीबी राजस्थान रॉयल्स को पेल पाती है, तो राजस्थान रॉयल्स इज दी ओनली टीम जो कि अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, मतलब मुंबई को मुंबई में हराया, हैदराबाद को भी हराया, पता नहीं क्या क्या किया इन लोगों ने भाई, ये बहुत हैदराबाद को हराया कि इसको गुजरात को हराया था, इन्होंने किसी को हराया था भाई, ये जो मुंबई अपना ये जो टीम आप देख रहे हो राजस्थान रॉयल्स, ये कल के मैच में बहुत धमाल करने वाली है, बहुत कमाल करने वाली है। और आरसीबी वालों से मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि भाई मेरे तो ये देखो, हालांकि मैं आरसीबी हूँ, विराट कोहली का जिसको कहते हैं कट्टर फैन हूँ मैं, कट्टर विराट कोहली का कट्टर फैन हूँ, लेकिन भाई मैं भी ये कह रहा हूँ कि कल का मैच हमारा जीतना ऑलमोस्ट 30% है, 30% आरसीबी के चांस है और 70% रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के चांस, 30% आरसीबी के चांस है और 70% राजस्थान रॉयल्स के चांस है, क्योंकि भाई ये मैच जिस तरीके से चल रहा है हमें पता है, देखो ऑलरेडी यहाँ पर आरसीबियंस को पता है कि भाई ये राजस्थान को हराना बहुत मुश्किल है, और राजस्थान इस शायद कप की ये वाहिद टीम है जो कि अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, और आपको पता है कि भाई उसके संजू सैमसन भी फॉर्म में, उनके वो कौन है यार बीच में आके बैटिंग करते हैं, अश्विन भी आजकल बैटिंग कर ले रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम, जॉस बटलर को देख लो आप लोग, यशस्वी जायसवाल को देख लो, साला देख के पसीने छूट जाते हैं कि ये हो क्या, यहाँ हो क्या गया राजस्थान रॉयल्स को, ये कहीं मेरे ख्याल से कोई रिपीट तो नहीं करने लगे, जो याद है आपको 2008 वाला आईपीएल हुआ था जिसके अंदर राजस्थान रॉयल्स ने ट्रॉफी उठाई थी, ये अगर रिपीट होता ना भाई बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजस्थान रॉयल्स जीते, लिटरली हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं या तो विराट कोहली जीते, अगर विराट कोहली नहीं जीतता तो महेंद्र सिंह धोनी जीते, और अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं जीतता तो फिर जो है यहां पर मुंबई के बारे में बोले या ना बोले, चलो मुंबई को छोड़ो, फिर केकेआर है, ये तीन टीमों में से कोई एक जीने जाए, या तो केकेआर या तो आरसीबी या तो सीएसके, मैं इन तीनों में से किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप लोग भी यहाँ पर जो है अपना सपोर्ट बताइए, दिखाइए कि भाई आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आज थाला ने काम किया है, मतलब आज दूसरी उनकी हार हो गई, लगातार दूसरी हार हो गई, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये हार होगी महेंद्र सिंह धोनी की, 2 बार बैटिंग करने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी, दोनों बार टीम इंडिया हार गई, मतलब ये तो ना इंसाफी है ना साला, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग भी करें और इंडिया भी हारे, हम चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी यार वही पुराने स्टाइल में फिनिश करें, वही पुराने स्टाइल में आए, थोड़ा सा धमाल होना चाहिए, ये जो इनिंग आप लोग खेल रहे हो ये इनिंग इतनी कोई खास नहीं है भाई, ये कोई 165 रन की कोई ऐसी इनिंग नहीं है कि हम स्कॉलर ऊंचा करके सीना चौड़ा करके बोलेंगे भाई 165 मार दी हमने, और भाई 165 कुछ भी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी को बोलूंगा भाई खुदा का वास्ता कुछ कर ले, हैं अभी तेरे से बड़ी उम्मीदें हैं भाई, 2-3 साल तूने और खेलना है तो भाई खुदा का वास्ता ये कप वप जीत ले, 7 ट्रॉफियां अपने नाम कर लो, क्योंकि 7 आपका बड़ा लकी नंबर है, तो 7 ट्रॉफियां महेंद्र सिंह धोनी जीत जाए बस हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हम जो है फिर बोल देंगे ठीक है भाई हमारी जिंदगी का मकसद तो पूरा हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी ट्रॉफी जीत चुके, खैर देखने को मिलता है नहीं मिलता, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे, मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।